बाल वाल एकदम बढ़िया लग रहे हैं, पर दाढ़ी जितनी घनी बना रखी है ना, मैंने पकड़ रखा तो बड़ा सॉफ्ट लग रहा था, मैंने चावल बड़े प्यारे हैं यार ये। अभी मैं अपने कॉलोनी के बाहर आ रखा था तो यहीं पे मुझे भाई मिल गए थे। मेरी बेल कॉलोनी के बाहर ही HM कॉलेज है तो वहीं पे भाई लोग पढ़ते हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हो तुम? BBA। आपसे मिलके अभी बहुत अच्छा लगा। ओके भाई, अभी शाम के 7:30 से ऊपर हो चुका है और अभी भी इतना उजाला हो रहा है। तो अभी ये साल का मुझे लग रहा है ये साल का वाला टाइम चल रहा है जब दिन बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। ये देखो ऊपर अभी भी पूरा उजाला दिख रहा होगा आपको। आज बड़ी मुश्किल से मैं जिम आया हूँ। मुझे ही पता है मैंने अपनी बॉडी को कैसे उठाया है बेड से और फिर जिम लेके आया हूँ अपने आप को। जब इनिशियल डेज थे ना मेरे ब्लॉगिंग के, उस समय जब मैंने स्टार्ट ही किया था ब्लॉगिंग, उस टाइम पे तो मैं बहुत एक्सरसाइज करता था और ब्लॉगिंग से पहले भी बहुत एक्सरसाइज करता था। लेकिन ब्लॉगिंग के बाद पता नहीं जो मन होता है ना एक्सरसाइज करने का वो बिल्कुल हट गया। वो मोटिवेशन होती है ना एक्सरसाइज करने की, वो रही नहीं बिल्कुल भी, 1% भी नहीं रही पता नहीं क्यों। पहले तो इतना मन करता था एक्सरसाइज करने का, मतलब आज मैं जिम आया हूँ मैं एकदम ब्लैंक हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कौन से एक्सरसाइज करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। और अभी भी मैं जिम इसलिए आया हूँ क्योंकि 15-20 दिन बाद एक वीडियो बनानी है मुझे किसी के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो उनकी वीडियो में थोड़ा ठीक दिखूँ मैं, इसलिए सोचा मैंने चलो थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आधे घंटे की एक्सरसाइज कर ली है, अब चलते हैं वापस घर। अभी घर आके एक भाई का मैसेज आया, बाहर मार्केट बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूटी नहीं होंगे पास और उनको मिलना है, तो इसलिए अभी जाना पड़ेगा मार्केट साइड। और ब्लॉग की स्टार्टिंग में भी मैं जिन दो भाई से मिला था उस टाइम पे भी मैं लेट हो गया था, मेरे को 1 बजे मिलने आना था उनसे, मैंने उनको 1 बजे बोला था कि 1 बजे आ देना और 1:30 बज गया था क्योंकि ब्लॉग लेट में अपलोड हुआ। और अभी भी मैं लेट हो रहा हूँ तो इसलिए फटाफट निकलता हूँ अब। तो अभी यहाँ पे भाई आ रहे थे मिलने के लिए। भाई मेरा नाम है नीरज प्रजापति। मेरा विष्णु प्रजापति भैया। कहाँ से आ रहे तुम लोग? दिल्ली। दिल्ली से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th बोर्ड क्लियर करे, एग्जाम दिए 11th। अच्छा 11th सही गए पेपर? हाँ। चलो ठीक है, रिजल्ट कहीं आ रहा है। ठीक है फिर भाई, ठीक है भाई। अभी डिनर में बना रखा है बीन्स की सब्जी और दिन की मेरी मनपसंद दाल नहीं है, मसूर की दाल, पर खानी तो पड़ेगी। लेकिन अभी शायद मुझसे इंस्पायर हो गए कोई वॉक पे जा रहा है। मुझसे चल चल, मैं जाती नहीं हूँ क्या? जाते हो आप? हाँ, तुम्हें दिखते क्यों नहीं फिर? ये देखो अब गप्पे लड़ाने लग जाएंगे। और कुछ नहीं, मैं रात जाती हूँ तो सुबह जाता है। सुबह कब गया मैं? तो सुबह जाता हूँ मॉर्निंग में। ओ हाँ, सुबह सुबह ना 5 o'clock आपके उठने से पहले निकल जाता हूँ मैं। अच्छे से करके आना ठीक है, मैं भी खा लेता हूँ खाना, मेरी मनपसंद दाल नहीं जो है उसे खा लेता हूँ। तो कई दिन पहले एक वीडियो आई थी मेरे पे, मतलब एक यूट्यूब में एक वीडियो डाल रखी थी मेरी ड्राइंग की, है ना, ड्राइंग ही बोलेंगे ना, पेंटिंग तो वैसे हो गई ना पानी वाली। हाँ मेरा स्केच, हाँ मतलब मेरा स्केच, हाँ ड्राइंग स्केच दो भी, मतलब मेरी शक्ल बना रखी है। तो मैं बहुत दिनों से दिखाना चाह रहा था पर वही बीच में शादी आ गई, फिर मैं सिद्धार्थगंज चला गया तो दिखा नहीं पाया। तो अभी जब दोनों बैठे हुए थे मम्मी पापा तो मैंने सोचा इनको दिखाऊं और रिएक्शन कैप्चर करें इनके कैसे बना रखा है। सोने के लिए तैयार थे, जिन्होंने बनाया उनका नाम है गौरेश सिंह रावत। तो उन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है और सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ। जब जैसे शुरू शुरू की ड्राइंग दिखाई ना जब, हाँ। तो मेरे को तो मेरे पिताजी जैसे लग रहे थे। ऐसी था ना बड़ा बड़ा मुंह। अच्छा मोबाइल में उन्होंने अपनी फोटो वगैरह रखी है। अब लग रही क्लियर। अब लग रहा तू बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में लग रहा था? स्टार्टिंग लग नहीं, एकदम मेरे को ऐसा लग रहा मेरे पिताजी जैसी लगी एकदम। तो ये देखो बाल वाले एकदम बढ़िया लग रहे हैं, पर दाढ़ी जितनी घनी बना रखी है ना इतनी घनी है नहीं मेरी, ये देखो छटी छटी आती है। तो इसलिए गौरेश सिंह रावत जी को बहुत धन्यवाद, और वो कोटद्वार से ही है। ये शायद दूसरी बार किसी ने मेरा स्केच बनाया है, एक बार दादी और मेरा बनाया था, एक हमारा भी तीनों हाँ, का था, शायद तीसरा स्केच है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। एक हम चारों का था, दादी हाँ। का तुम्हारा, पर वही था मतलब फैमिली वाला था, ये मेरा पर्सनल है तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब पर्सनल मेरे लिए बना रखा है ये। और जो मैंने कल ब्लॉग डाला था एनुअल डे का, उसमें मैंने जो हमारे जो पूरा BL है, क्योंकि BL पूरे इंडिया में 7 जगह है, 9 जगह है तो पूरे 9 यूनिट की जो हमारी CMD मैडम थी उनसे इंटरव्यू जो करवाया था वो मेरे घर के सामने ही अंकल रहते हैं, नवानी अंकल, श्री अनिल नवानी। हाँ तो नवानी अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बातचीत कराई मेरी मैडम से, CMD मैडम से, उससे मतलब ब्लॉग में और
चार चांद लग गए और मतलब वो मतलब बीच बीच में तेरे को तो वो सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, नो डाउट करते हैं, कई जगह फोन भी कराए हैं। तो चलो अभी सुझाव आप है, आप लोग सो रहे थे ना, कितने किलोमीटर वॉक करी आपने? गई भी कहाँ लंच के बाद, डिनर के बाद गई तो अभी हाँ हो गए अभी, कितना घूमे? आधा घंटा, क्योंकि किसी ने फोन नहीं उठाया ना, सच से बताना किसी ने नहीं फोन उठाया, नहीं मुझसे चला ही नहीं जा रहा था आज। सही बोलो, किसी ने फोन नहीं उठाया इसलिए वापस आ गई। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, अभी अभी नहा धोके एकदम रेडी हो चुका हूँ, देखते हैं मैंने क्या नाश्ता बना रखा है। तो आज मेरी फेवरेट बैगन बना हुआ है, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे? जैसे हम लोग कुछ मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं ना जब खाली होते हैं, तो मम्मी ये सुनती है, क्या सुन रहा, कौन से पंडित जी हैं? शिव कथा सुनाते हैं। नहीं नाम क्या है इनका? पंडित नाम ही नहीं पता, पंडित प्रदीप मिश्रा, प्रदीप जी बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। अगर आप लोग भी कोई सुनता है पंडित प्रदीप मिश्रा जी को तो कमेंट करके बताना जरूर, तो मम्मी आपको फिर कमेंट करेगी कि हाय फाय। फिलहाल तो मैं अपना नाश्ता कर लूँ फटाफट। नमस्कार अंकल जी, कैसे हो? चाय पी रहे थे क्या? दो तीन दिन हो गए मेरे को यही। अरे बहुत ज्यादा, कैसे काम कर रहे फिर इतनी गर्मी में? अच्छा सही है, मैं भी दुकान जा रहा हूँ, चावल खत्म हो गया घर पे, दुकान जा रहे क्या खरीदने? अरे घर जा रहे। प्यार से सो रहे दोनों के दोनों, सुनो सुनो आराम से जाओ, बस जब गाड़ी चलेगी तो बाहर निकल जाना। मम्मी ये खुला क्यों लाया? खुला ही था, अब हमारे घर में चावल आ गया मम्मी। अच्छा खाना मिल जाएगा हमें। अरे तो बैग ले जाता ना, मजदूरी करके ले आया मम्मी मैं चावल, आज बैग मिलेगा ना? चल नहीं था ना बैग, आराम से पड़ो फट जाएगा। बैग लाता, बैग ले जाता, हाथ दर्द हो गया मेरा, 5 किलो का चावल पकड़ के। और पता है क्या हुआ, मैं गया मैंने 5 किलो का आटा बोल दिया उसको, मैंने बोला भैया आटा दे दो 5 किलो का, और उन्होंने आटा पड़ा दिया और मैं मस्त ऐसे करके निकल रहा हूँ एकदम से। मुझे तब मैंने अच्छा नाम पढ़ लिया कि यार ये तो चावल, हाँ इसलिए पता चला मुझे क्योंकि जब मैंने पकड़ रखा था तो बड़ा सॉफ्ट लग रहा था, मैंने चावल बड़े प्यारे हैं यार ये वाले, मैंने जैसे नाम पढ़ा उसका तो आटा लिखा हुआ था, मैंने अरे भैया सॉरी अच्छा हुआ, घर जाता तो थोड़ा डाउट हो जाता ना फिर, मैं भैया यहीं चेंज छोड़ दो। अभी फिलहाल हेडिंग के लिए बैठता हूँ मैं, आज के ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी 3 और 4 को हमारे जो भैरवगढ़ी मंदिर है जो गुमखाल से आगे कीर्तिकाल पड़ता है, वहाँ पे जो हमारा बहुत प्रसिद्ध भैरवगढ़ी मंदिर है वहाँ पे एक मेला लगेगा, काफी हद तक चांसेस है कि मैं वहाँ जाऊँ, तो इसलिए अब वहीं पे मिलेंगे आप लोगों से। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो इस चैनल में तो नीचे लाल बटन दिए सब्सक्राइब को उसे दबा देना, और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना, और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा फिर बहुत अच्छा लगा है तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।